वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं टेन सी बी एस सी साइंस एंड ईजी मैथड में बच्चों हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और आप उसको देख ही रहे होंगे हमने एसोशन एंड रीजनिंग स्टार्ट किया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपके लिए हेल्पफुल है मैंने जो सीरीज केमिस्ट्री की के तो मैंने कंप्लीट कर दी है फिजिक्स में मैंने मैग्नेटिज्म करा दिया और आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड आपको पता है इसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे पर एसोशन रीजनिंग के आने के चांसेस काफ़ी है जो थोड़े से टफ एंड ट्विस्टेड होंगे मेरे साथ जुड़िए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और एग्जाम में पूरे मार्क्स लाइए तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द एसर्शन एंड रीजन हैव बीन पुट फॉरवर्ड रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग हम चार ऑल्टरनेटिव आपको दिए जाएंगे ए बी सी डी आपको एक ऑप्शन इसमें से चूज करना है ऑप्शन ए है बोथ द एसन एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्सन

जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी और मैंने जो फर्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड किया था एसोशन एंड रीजनिंग सीरीज का मैंने ऑलरेडी इसे किस तरह से अटेम्प्ट करना है मैंने आपको बता दिया था यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर आगे के क्वेश्चन तो चलिए हम द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हम इसका फर्स्ट एसर्शन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा एसर्शन है ब्लू कलर ऑफ स्काई अपियर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर इसका रीजन है ब्लू कलर हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम आप सबको विबगर पता है नीचे के जो तीन कलर होते हैं उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है इसलिए ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है तो इसका आंसर इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं एसर्शन में स्टेटमेंट पढ़ती हूं हाइपरमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच ओनली द नियर ऑब्जेक्ट आर सीन बाय द आई हाइपर मेट्रोपिया माओपिया ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हम रीजन देख लेते हैं हाइपर मेट्रोपिया इज करेक्टेड बाई यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस इसका ऑप्शन आएगा आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं एसर्शन हम देखते हैं डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर इसका रीजन है वेलोसिटी so, जो अब आप जाते हो कभी भी तो सिग्नल्स हमेशा डेंजर सिग्नल हमेशा रेड कलर में होते हैं लेकिन आप जानते हो कि इसका रीजन क्या है आपने पढ़ा है आंसर है इसका सी एज करेक्ट बट आर इज फॉल्स क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो रेड कलर होती है इसकी बहुत हाई स्पीड होती है ज़्यादा होती है ये फॉग या मिस्ट या डस्ट पार्टिकल से स्कैटर नहीं होती इसलिए हमें रेड कलर दूर से भी नजर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर एसर्शन है मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच ओनली नियर ऑब्जेक्ट आर सीन बाय द आई इसका रीजन है द आई बॉल इज एलोंगेटेड यस ये भी ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन ए बोध ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव मैं सशन पढ़ देती हूँ स्टेटमेंट है हमारा अ हाइपर मेट्रोपिक पर्सन प्रेफर्स टू रिमूव द स्पेक्टिकल्स वाइल्ड ड्राइविंग इसका रीजन मैं पढ़ देती हूं वेन ही इज वेयरिंग स्पेक्टिकल्स लुकिंग एट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द पैरल रेस फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कन्वर्ज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना सो द इमेज एपियर्स ब्लर्ड आंसर हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टेटमेंट है हमारा एसर्शन है ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना विच इज इनसेंसिटिव टू लाइट वेयर द ऑप्टिकल नर्व लीव्स द आई रीजन देर आर नो रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई आपको मैंने कराया था कि जो लास्ट में X पॉइंट होता है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं जहां लाइट सेंसिटिव सेल एबसेंट होती है वहीं से ऑप्टिक निकलती है यानी उस पॉइंट के ऊपर कोई इमेज फॉर्म नहीं होती तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यपल इज ब्लैक इन कलर रीजन एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए बोध ए एन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर एट पढ़ती हूं रेनबो इज समाइम्स सीन इन द स्काई इन रेनी सीजन ओनली वेन ऑब्जर्वर्स बैक इज टूवर्ड्स द सन इसका रीजन है इंटरनल रिफ्लेक्शन इन द वॉटर ड्रॉपलेट्स कॉज डिस्पर्शन एंड द फाइनल रेज आर इन बैकवर्ड डायरेक्शन आपने रेनबो पढ़ा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मेन एग्जाम्पल है तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन तो आप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा आप पहले थेरी पार्ट आप पहले कॉन्सेप्ट मेरे वीडियो के थ्रू क्लियर कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए जो आपके लिए बहुत ईजी होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एसर्शन है व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स इन टू इट्स सेवन कलर्स कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म इसका रीजन है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म इसका ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टेटमेंट पढ़ती हूं मैं हमारा एसर्शन है द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू इन आउटर स्पेस यानी जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं उन्हें स्काई डार्क लगता है इसका रीजन है नो एटमोस्फियर कंटेनिंग एयर इन द आउटर स्पेस

जो कोलाइडल पार्टिकल में लाइट की लाइट का कंप्लीट पाथ आपको विजिबल होता है इसका रीजन है कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व की ओर बढ़ते हैं? है हमारा रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन द स्काई आफ्टर अ रेन एंड इन द सेम डायरेक्शन एज द सन रीजन वॉटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक टाइनी प्रिज्म यहां पर क्या आएगा ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू हमको पता है आर ट्रू है क्योंकि हर एक एक वॉटर ड्रॉपलेट टाइनी प्रिज्म की तरह फंक्शन करती है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एसर्शन है, Assertion है? सेकेंडरी रेनबो इज फेंटर देन प्राइमरी रेनबो आपने देखा होगा जब दो रेनबो बनते हैं तो सेकेंडरी रेनबो थोड़ा सा लाइट फेंटर होता है रीजन सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन इज थ्री स्टेप प्रोसेस एंड हेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड एट द सेकेंड रिफ्लेक्शन इनसाइड द रेनड्रॉप फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो थ्री स्टेप प्रोसेस होती है जब फर्स्ट स्टेप में ही तीन हो जाती है तो सेकेंड में जब थ्री स्टेप्स होती है तो वो लाइटर हो जाता है इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टेटमेंट है हमारा एसर्शन है द स्टार्स ट्विंकल वाइल्ड द प्लैनेट डू नॉट इसका रीजन है द स्टार्स आर मच बिगर इन साइज देन द प्लैनेट्स क्या ये करेक्ट है स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं बिगर होते हैं लेकिन बहुत दूर होते हैं इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ये दोनों अपनी जगह करेक्ट है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हमें प्लानिट बड़े दिखते हैं क्योंकि वो हमारे से नजदीक होते हैं स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए वो हमें एज अ पॉइंट सोर्स हमें नजर आते हैं चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं एसर्शन है द सन अपियस फ्लैटन एट द सनराइज एंड सनसेट इसका रीजन है द एपियर फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क ऑफ सन सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये तो बिल्कुल करेक्ट है हमने पढ़ा भी है इसको आंसर आएगा ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो ये मैंने सारे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट एसर्शन एंड रीजनिंग है सभी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी या तो एक्जैक्टली exactly इसी टाइप से आएंगे या इससे मिलते जुलते एग्जाम में आएंगे आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए आपके लिए ये बहुत इजी होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट उठाइए आज जो मैं आपको टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कराने जा रही हूँ केमिस्ट्री के अंदर जो एक्स वाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं या जिसको हम कहते हैं ए बी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये बहुत करते हैं। लेकिन आपको घबराने की जैसा कि मैं हमेशा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेरे सारे वीडियोस देखिए और कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल एंड इजी मेथड में सॉल्व कीजिए समझिए उसे और यदि आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं मेरे केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं आप उनको डिटेल में पढ़िए अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए और उसके बाद ये मेरी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने बैठी है आप देखिए क्या फटाफट आप क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्स वाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ ये हमारे एनसीआर की बुक का ही क्वेश्चन है क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग आपको ये क्वेश्चन दिया है अब इसमें आपको दो क्वेश्चंस पूछे नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला इसका सेकेंड पार्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबाउ विथ वॉटर यानी आपको सब्सटेंस एक्स कौन सा है ये बताना है और इसके बाद इसके वाटर के साथ रिएक्शन बतानी है आप पहले इसके समझिए यहाँ पर एक सब्सटेंस पूछा है एक्स जो यूज होता है वाइट वॉशिंग में तो आपको वो सब्सटेंस हमारा एक्स होगा और इसके बाद इसके रिएक्शन आपको वाटर से बतानी है तो चलिए आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं जो द सब्सटेंस एक्स यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज

हमेशा जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखते हैं आपको इसके फिजिकल स्टेट जरूर लिखने चाहिए और इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारा क्विक लाइम है सॉलिड स्टेट में ये रिएक्शन करता है वाटर से जैसे आप देख रहे हो लिक्विड में आपस में रिएक्ट होते हैं और बनता है हमारा स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस होता है और इसके साथ साथ आप डेल्टा साइन देख रहे हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बहुत अमाउंट में हीट निकलती है तो ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड का आंसर हो गया चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू ये भी अगेन एनसीईआरटी से रिले एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है ये अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड यानी आपका बताना है कि एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है एक्स इसको जब आप एयर के साथ हीट करते हो यानी एक्स है आप जब इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो तो ये जो कंपाउंड बनाता है वो ब्लैक कलर का होता है देखिए अब यहाँ पर दो हिंट है हम की पॉइंट्स देख लेते हैं एक तो सबसे पहले शाइनी ब्राउन कलर्ड आप देखिए शाइनी होगा तो शाइनी होगा एलिमेंट मतलब वो मेटल होगा और हम सब जानते हैं शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट कौन सा होता है कॉपर तो हमारा कॉपर जो होगा एक्स जो होगा वो एलिमेंट हमारा होगा कॉपर अब इन्होंने कहा है कॉपर को हम एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ब्लैक कलर का हम सब जानते हैं कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है तो चलिए पहले हम इसको स्क्रीन पे आप देखिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है हमारा जो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है वो होगा एक्स एक्स हमारा होगा कॉपर आप रिएक्शन में देख रहे हो कॉपर ये सॉलिड ब्राउन कलर की मेटल होती है ये एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है हम इसको हीट करते हैं आप देख रहे हो हमारा सी यू ओ कॉपर टू ऑक्साइड ब्लैक कलर की पाउडर मिलती है कॉपर टू ऑक्साइड को हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं आप जानते हैं वेरिएबल कॉपर शो करता है यदि सी यू टू ओ है तो हम कहेंगे क्यूपरस ऑक्साइड

आपको एक रिएक्शन दी हुई है मैं पढ़ देती हूं रिएक्टेंट है हमारे ए ये रिएक्ट कर रहा है प्लस ए प्लस बी सी ये बी सी कंपाउंड है इससे रिएक्ट कर रहा है ए सिंगल है यानी कोई ए सी कंपाउंड ए सी बना रहा है और अलग से एलिमेंट निकल गया बी दूसरी रिएक्शन दी है ए बी यानी कंपाउंड है प्लस सी डी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं बी डी आपका क्वेश्चन ये है मैंने आपको आप जैसे देख रहे हो आपको रिएक्शन समझ में आ गई है आप पहले क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस मेन्शनड अबाउ इन वन एंड टू यानी आप जो फर्स्ट देख रहे हैं और आप सेकेंड देख रहे हैं इसमें आपको बतानी है कौन सी टाइप की इक्वेशन है इसके अलावा आपको ये भी बताना है वन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके अलावा आपको एक एक एग्जाम्पल बताना है चलिए अब हम फर्स्ट देख लेते हैं जिसमें मैंने ए प्लस बी सी ये इट गिव्स ए सी प्लस बी हम सब जानते हैं ये कौन सी रिएक्शन है यहाँ पर एक कंपाउंड है एक मेटल है मेटल ए जो है वो देखिए आप बी सी में से बी को रिप्लेस कर रहा है और उसकी जगह खुद ले रहा है मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर ए इज मोर रिएक्टिव देन बी तो उसने बी को हटा दिया कंपाउंड में से और खुद उसकी जगह लेके ए सी बना लिया और बी अलग हो गया इसका आपको एक एग्जाम्पल देना है हम सबसे सिंपल वाला जो आपके बुक में भी आपने किया हुआ है हम आयरन और कॉपर सल्फेट का ले लेते हैं आयरन जो सॉलिड फॉर्म में ये कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल हम जिसको कहते हैं ये एक्वस में हम लेते हैं आपस में रिएक्शन होती है आप जानते हैं आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा कॉपर की पाउडर आपको अलग नजर आएगी और हमारा फोर, फेरिस सल्फेट इसका ग्रीन कलर का पेल ग्रीन कलर का हमें एक्वस सल्यूशन हमें मिल जाएगा ये रिएक्शन तो आपने लैब में भी सबने की होगी इसमें एक आपको लिखना यदि आपको ये डिफिकल्ट लगती है तो आप नीचे वाले रिएक्शन भी लिख सकते हैं सिंपल है हम जिंक ले लेते हैं सॉलिड फॉर्म में जिंक डस्ट भी ले सकते हैं इसकी रिएक्शन हम करते हैं ब्लू एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ आपस में रिएक्शन होती है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो जिंक क्या करता है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है और खुद उसकी जगह ले लेता है तो हमारा ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर इसमें से अलग हो गया ये आपको क्लियर हो गया होगा अब सेकंड वाला देखिए जिसमें हमने किया था AB बी प्लस सी डी इट गिवस ए सी ये कौन सी रिएक्शन है बहुत सिंपल है आप देखिए ए बी और सी डी में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं मतलब हमारी कौन सी रिएक्शन है डबल डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो हमारी रिएक्शन है ठीक है चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपको सबको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा दोनों जो रिएक्टेंट्स होंगे वो एक्वस फॉर्म में होंगे क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होता है इसमें दो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे जिसमें से एक इनसेल्यूबल हमारा कंपाउंड होगा तो हम देख लेते हैं इसको सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस। इसके रिएक्शन हम कराते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये भी एक्वस होगा आपस में रिएक्शन होती है और क्या बनता है बेरियम सल्फेट ये इसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं ये सॉलिड फॉर्म में बनता है जो हमारे सोल्यूशन uh, uh, के अंदर डिजोल्व नहीं होता और हमारा नेक्स्ट बन जाता है हमारा कंपाउंड एन जो एक्वस होगा तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जांपल चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है अ शाइनी मेटल ई ऑन बर्निंग गिव्स अ डिंग व्हाइट फ्लेम And change to a white powder F, a shiny metal E, metal जो है shiny है, dazzling flame के साथ वो जल रही है। आपको यहाँ बताना है identify E and F, and write the balanced chemical equation. Does E undergo oxidation or reduction? अब हम सब को पता है कि जो shiny metal E जो burn होती है dazzling white flame के साथ वो तो एक ही मेटल होती है हम जानते हैं तो हमारा ई e होगा आंसर होगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो आप सब जानते हैं व्हाइट कलर का पाउडर मिल जाता है हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमारा जो एफ होगा वो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड तो आपको ए का आंसर क्लियर हो गया होगा हमारा ई e होगा मैग्नीशियम और हमारा एफ जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन देख लेते हैं बैलेंस रिएक्शन आप देखिए स्क्रीन के ऊपर एम जी प्लस ओ टू एम जी सॉलिड है ओ टू गैस है हमारा एम जी ओ मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड पाउडर हमारी बन जाती है यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन टू है यहाँ पर ऑक्सीजन वन है तो मैंने एम जी ओ को टू लिखा बैलेंस करने के लिए हमने भी एम जी को टू किया यानी हमारी बैलेंस इक्वेशन टू एम जी प्लस ओ टू 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 एम जी ओ

चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा अ मेटल एक्स व्हेन एडेड टू जिंक सल्फेट सल्यूशन शोज नो चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन द मेटल एक्स इज आल्सो यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स आपको इसमें बताना है आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेटल एक्स बी है आपका वॉट इज दिए रेलवे अब हम सबको पता है की पॉइंट क्या है ये हमारी रियक्शन है थर्माइड वेल्डिंग की जो आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा है तो अब आप देखिए यहाँ पर एक मेटल एक्स है जो जिंक सल्फेट सोलूशन से रियक्ट कर रही है कंपाउंड तो बन रहा है लेकिन कंपाउंड में कलर चेंज नहीं होता तो हमारी जो मेटल एक्स होगी वो होगी एल्युमिनियम एल्युमिनियम होगी क्योंकि एल्युमिनियम जब जिंक सल्फेट से रिएक्शन करता है एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक तो ये एल्युमिनियम सल्फेट बनता है जो जिसका कोई कलर चेंज नहीं होता तो हमारी जो मेटल एक्स होगी वो होगी हमारी एल्युमिनियम एज इट डज नॉट शो एनी चेंज इन कलर हमारा बी देखिए कौन सा रिएक्टेंट रेलवे ट्रैक में एल्यूमिनियम के साथ यूज होता है हम सब जानते हैं, वो हो जाते हैं। तो ये जो है, अल्यूमिनियम जो है ये ज्वाइन इसके साथ आएगा दूसरा जो हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट यूज हो रहा है वो आएगा हमारा आयरन ऑक्साइड एफ नेक्स्ट लास्ट है इसका एक्स्ट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्स एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने की दो मेथड हैं आपको जो आपने जो अभी एन सी आर टी के मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ाए वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिटक्शन आप सबको पता है ये जो बहुत एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनको हम मल्टन स्टेट में एल्यू बॉक्साइड ओर से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं लेकिन इसके अलावा एक और मेथड होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है दैट इज ये बॉक्साइट ओर से ही निकालते हैं वो है हॉर हेलो हेरोल प्रोसेस हॉल हेरोल प्रोसेस बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम निकालने के लिए सबसे एक्सट्रैक्शन की बेस्ट मेथड है तो आपको ये पूरे क्वेश्चन वन से लेकर फाइव तक आपको क्लियर हो गए होंगे बच्चों हमने स्टार्ट किए टेस्ट सीरीज और हम जो टेस्ट सीरीज में आप सब जानते हैं जो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है या ये थोड़े होते हैं क्योंकि इन questions को करने के लिए आपको आपका concepts बहुत clear होना चाहिए तो आप मैंने जो स्टार्ट किया है पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कराऊंगी मैं इसको थोड़े थोड़े पार्ट में ले रही हूं ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े टफ है आप इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए और एग्जाम में इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं बार बार कहती हूँ आपको सॉल्व करने हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए और बहुत इजीली इसको सॉल्व कीजिए तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर सिक्स से लेकर आज क्वेश्चन नंबर टेन तक सॉल्व करेंगे चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में पढ़ देती हूँ अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस इज यूज फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स ओडर वॉट टाइप ऑफ इंडिकेटर इज अनियन जूस द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड ठीक है आपका क्वेश्चन आगे है लिस्ट द ऑब्जर्वेशन व्हेन लिक्विड एक्स will react with a zinc dust, b sodium carbonate, and c है write down its chemical equation. aapko clear ho gaya hai aap dekho ek liquid X hai ek cloth strip hai एक cloth strip इसको हमने onion juice juice में, a cloth strip है इसको हमने onion juice juice में dip किया जो liquid X के test के लिए use होता है। तो अब आप सबसे पहले आपने देखना है कि जो लिक्विड एक्स है जिसकी हमें टेस्ट करनी है उसमें हमने स्ट्रिप हमने अनियन जूस में उसको डाला तो ये इसका कलर कैसा हुआ आपने इसका इसका देखा इसकी जो है ऑर्डर डिसपियर हो गई हम सब जानते हैं ऑर्डर किस पे डिसअपियर होगी एसिड में यानी हमारा जो भी एक्स है लिक्विड एक्स है हमारा एक्स सोल्यूशन है उसका नेचर कैसे होगा एसिडिक होगा तो हमारा एक्स एसिडिक होगा नेचर में और अनियन जूस अनियन जूस को हम किस टाइप का इंडिकेटर कहते हैं हम इसे कहते हैं ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर तो अनियन जूस हमारा ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर है और हमारा जो लिक्विड एक्स है ये हमारा कोई भी एसिड है ये तो हमें क्लियर हो गया है। X है, एसिड इसीलिए इसीलिए जब हम एक्स जो है ये ब्लू लिटमस को रेड में ब्लू uh, लिटमस uh, uh, को रेड में कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस रेड में टर्न हो जाता है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अब इस एसिड की आपको रिएक्शन पूछिए जिंक के साथ हम सब जानते हैं आप स्क्रीन पे देखिए एसिड रिएक्ट कर रहा है जेडन, जिंक से हम सब जानते हैं मेटल कभी भी एसिड से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है बच्चों सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस बनती है ये आपको ध्यान रखना है तो जो एसिड है ये जिंक से रिएक्ट करके क्या बना रहा है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दूसरा क्वेश्चन है इसमें एसिड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर रहा है सॉल्ट तो बनता ही है वाटर बनता है और इसके अलावा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ हो रही है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ तो ये आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा दिया है आपने रिएक्शन भी देख लिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये थोड़ा सा टफ है

राइट बैलेंसड इक्वेशन अब आप देखिए इसमें इसमें आपको पूछा है कॉमन बेस बी ये कॉमन बेस क्लोर एल्कली प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है अब हम सब जानते हैं कि क्लोर एल्के प्रोसेस कास्टिक सोडा इसको बनाने की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मिलता है तीन बाइप्रोडक्ट मिलते हैं अब इन्होंने पूछा है बेस बी तो इन तीनों में से तो हम सब जानते हैं बेस तो एक ही होगा इसमें वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारा फर्स्ट का आंसर अभी आप क्लियर हो गया है आपको आइडेंटिफाई बी जो है वो हमारा होगा बेस हमारा जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एनएच अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इस बेस बी की हमें रिएक्शन करना है एसिडिक ऑक्साइड के साथ आप सब जानते हैं हम सब जानते हैं एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल की ऑक्साइड तो नॉन मेटल की ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं और हम सब जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं तो जो बेस भी है ये एसिडिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल का ऑक्साइड इससे रिएक्शन करता है एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनाता है इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको रिएक्शन लेके बताना है हम ले लेते हैं एनए सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल को ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं इसके अलावा आप सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हो मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया है कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है जो एसिडिक होता है नेचर में जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है वाटर बनता है ये एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रही है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा चलिए अब क्विकली हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट में पढ़ देती हूँ मेटल नाइट्रेट ए एक है मेटल नाइट्रेट ए ऑन हीटिंग गिव्स ऑक्साइड अलोंग इवोल्यूशन ऑफ अ ब्राउन कलर्ड गैस बी यानी एक मेटल नाइट्रेट ए है इसको आप हीट कर रहे हो हीट करने के बाद ये एक पहले कौन सी गैस बी ब्राउन कलर की गैस बी दे रहा है एंड अ कलर लेस गैस सी ब्राउन कलर की गैस बी दे रहा है और एक और गैस कलर लेस गैस आयोडाइट जो ए हमारा है जब ये पोटेशियम आयोडाइट के साथ रिएक्शन करता है इट फॉर्म्सोटे डी ये तो बहुत आपको ए बी सी डी आपके दिमाग में क्विकली आंसर आपको एकदम आ गया होगा आपको बताना यहां आइडेंटिफाई ए बी सी डी आपका बी पार्ट है राइट बोथ द रियक्शन इन्वॉल्व इन द अबाउ स्टेटमेंट एंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो पढ़ाए मैंने क्या बोला था मेटल नाइट्रेट जो ब्राउन कलर की गैस देता है आप सबको पता है वो है लेड नाइट्रेट तो हमारा ए होगा लेड नाइट्रेट पीबी थ्री होल्ड इसका फॉर्मूला बी होगा हमारा एनओ टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसके साथ एक कलरलेस गैस भी निकलेगी ऑक्सीजन गैस तो ये लेड नाइट्रेट बैलेंस कर दिया है मैंने टू पीबीएनओ थ्री टू पीबीओ फोर टू बैलेंसिंग मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले ये जो रिएक्शन है हम सब जानते हैं आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है मेरे वीडियोस भी देखे हैं ये जो रिएक्शन है ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट कितने भी हो सकते हैं और रिएक्शन कैसे होती है एंडोथर्मिक तो तो ये तो आपको क्लियर हो गया है अब जो इसका लास्ट पार्ट था कि ये जो लेड नाइट्रेट है मतलब हमारा जो मेटल नाइट्रेट ए है जो हमने कहा लेड नाइट्रेट है इसकी रिएक्शन हम करते हैं पोटेशियम आयोडाइड से अब आप सब जानते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन होगा जब भी लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे तो ये जो दोनों हमारे जो रिएक्टेंट होंगे वो हमेशा एक्वस फॉर्म में होंगे क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन ही ये है एक्सचेंज ऑफ आयन कभी भी सॉलिड स्टेट में तो होता नहीं है तो लेड नाइट्रेट हम एक्वस लेंगे पोटेशियम आयोडाइड भी हम एक्वस लेंगे दोनों में एक्सचेंज ऑफ आयन होगा हमारा एक जो जिसके जो प्रोडक्ट नहीं है इनसेल्यूबल प्रोडक्ट है लेड आयोडाइड ये इसके येलो प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो जाएंगे और हमारा सोल्यूशन कौन सा बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट के एनो थ्री जो एक्वस होगा ये हमारी रिएक्शन कौन सी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन थोड़े टफ है लेकिन आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ईजी होगा चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन एन एलिमेंट एक्स ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन फॉर्म्स एक्स अब जब भी एक्स आता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो फर्स्ट ग्रुप है है Na2O, K2O, Li2O यही बनेगा ये सब इस तरह से आना चाहिए यदि XO लिखा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड यदि X2O3 लिखा है मतलब हमारा एल्यूमिनियम Al2O3, टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी आपको उतना ईजिली समझ में आएगा तो हमारा ये क्वेश्चन है एन एलिमेंट एक्स

ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके x2o बना रहा है तो आप सबको पता है कि x2o ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और जो x है इसकी वैलेंसी 1 है तो 1 मतलब हमारा फर्स्ट ग्रुप में से होगा तो या तो ये सोडियम Na2 होगा या K2 होगा तो हम देख लेते हैं जो x है आप देखिए इसके की पॉइंट x ऑक्सीजन से रिएक्ट करके x2o बना रहा है x2o को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये क्या करेगा ये जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा इट मीसो एक्स टू ओ है जो भी बन रहा है वो बेसिक हैं एलिमेंट एक्स हमारा होगा सोडियम या पोटेशियम भी हो सकता है हम अभी सोडियम को लेके करते हैं तो एक्स जो हमारा होगा सोडियम हम रिएक्शन देख लेते हैं Na O2 प्लस ओ टू एन ए टू ओ यानी सोडियम ऑक्साइड बन गया अब आप देखिए Na2O वाटर के अंदर जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा बेस क्या बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है तो हमारा जो एक्स है आपका जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो एक्स है ये मेटल है या नॉन मेटल हम सब जानते हैं कि जो एक्स है सोडियम है ये हमेशा मेटल होती है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा आंसर्स मैंने लिख दिए हैं अब, अब इस सीरीज का लास्ट हम इस वीडियो का लास्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन एन एलिमेंट ई कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड वापस आ गया देखो E2O, मतलब ग्रुप वन है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन राइट द फॉर्मुला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इट कंबाइंस विद क्लोरीन

फोर के ये मैंने बैलेंस करके लिखा है सॉलिड फॉर्म में लेते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है टू के टू ओ बना रहा है ई टू ओ बना हम जानते हैं पोटेशियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसमें फ्री आया फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं मेटल में तो ये हमारी मेटल हो गई अच्छा अब आप सब जानते हैं पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइनटी जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन लिखते हैं फर्स्ट के थर्ड में एट जाता, जाता, जाता है और लास्ट शेल जो आउटर मोस्ट शेल है जिसे हम वैलेंस शेल कहते हैं उसके अंदर वन इलेक्ट्रॉन होता है तो ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन इट्स शेल इसीलिए पोटेशियम की वैलेंसी वन है रिएक्शन देख लेते पोटेशियम क्लोरीन के साथ ये मेटल नॉन मेटल रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन से रिएक्ट करके केसीएल बनाता है पोटेशियम क्लोराइड बनाता है तो ये मैंने आपको टेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्स वाई टाइप के क्वेश्चंस या ए बी टाइप के क्वेश्चंस मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है साथ साथ मैं काफी सारे इसमें आपको क्वेश्चंस कराऊंगी प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चंस दूंगी आप इसको सॉल्व कीजिए लेकिन पहले मेरी थेरी जो है उसको बहुत डिटेल में पढ़िए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आएंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बहुत हार्डवर्क कीजिए